नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्टफोन में आने वाले वायरस के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल के 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए दोस्तों आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वायरस के बारे में। एंड्रॉयड दिन ब दिन स्मार्ट से स्मार्टर होता जा रहा है दोस्तों, पर दोस्तों इसमें एंड्रॉयड ओएस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी वायरस आसानी से आ सकता है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है और उसका हैकर्स द्वारा गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आपका फ़ोन एक बार वायरस इन्फेक्टेड हो गया तो उसे रिमूव करवाना बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। रिमूव करना तो दूर दोस्तों, उसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ मेलवेयर ऐसे होते हैं जो यूज़र की परमिशन के बिना आपके अपने आप हाइड हो जाते हैं। ऐसे में आपके फ़ोन में वायरस है या नहीं इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके फ़ोन में वायरस है तो कुछ कॉमन साइंस आपके फ़ोन में ज़रूर दिखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं ऐसे 5 साइन बताऊँगा जिससे आप वायरस होने का आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला साइन है फास्ट बैटरी ड्रेन होने का। क्या दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके फ़ोन में बैटरी नॉर्मल टाइम से फास्ट ख़त्म हो गई हो, या फिर आपके फ़ोन में अचानक लो बैटरी बता देता हो? इस तरह अचानक बैटरी ख़त्म हो जाना या फास्ट ड्रेन होना आपके फ़ोन में वायरस होने की निशानी होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हाई डेटा यूजेस के बारे में। आपके फ़ोन में वायरस इफेक्टेड होने का दूसरा साइन है आपके फ़ोन में हाई इंटरनेट डाटा यूज़ होना। इसका कारण, जब आपके फ़ोन में वायरस होता है तो आपकी सारी डिटेल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैकर तक भेज देता है। इसके लिए वो इंटरनेट का सहारा लेता है, जिससे आप इंटरनेट का डाटा ऑन करते हैं तब वह बैकग्राउंड में रन करता है और आपके इंटरनेट को यूज़ करता है। इस तरह वह आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर लेता है, जिससे आपके फ़ोन में हाई डाटा यूज़ हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फ़ोन के स्लो डाउन हो जाने के बारे में। कभी कभी एंड्रॉयड फ़ोन अचानक स्लो होने लग जाता है, पर इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, फ़ोन की रैम कम होना, या फिर एक साथ कई सारी एप्स को यूज़ करना। लेकिन इन तीनों कारणों के न होने के बावजूद भी आपका फ़ोन स्लो चलने लग जाता है तो शायद आपके फ़ोन में वायरस हो सकता है, क्योंकि जब आपके फ़ोन में वायरस होता है तो आपकी परमिशन के बिना वो बैकग्राउंड में रन करता है, जिससे आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अनवांटेड एप्लीकेशन ऑन होम स्क्रीन के बारे में। फ़ोन में वायरस होने का एक और साइन है फ़ोन में अनवांटेड एप्लीकेशन या गेम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाना। कभी कभी हमारे फ़ोन में ऐसा होता है कि हमारे डाउनलोड किए बिना फ़ोन में कई सारे अलग अलग एप्लीकेशन दिखने लग जाती है। ये फ़ोन में मेलवेयर होने का इशारा देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी फ़ोन में वायरस होता है तो वह अनवांटेड एप्लीकेशन और गेम्स को ऑटोमेटिकली डाउनलोड करने लग जाता है। यह भी एक पक्का साइन है वायरस होने का। अब दोस्तों हम बात करेंगे पॉपअप एड्स के बारे में। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या ब्लॉग को एक्सेस करते समय कई सारे एड्स दिखाई देते हैं और कई सारे एड्स पॉपअप एड्स के थ्रू आपके फ़ोन स्क्रीन पर भी आ जाते हैं। लेकिन जब आपके फ़ोन के इंटरनेट डाटा ऑन करते ही कई सारे अननोन पॉपअप एड्स आने लगते हैं तो होशियार हो जाइए, ये एक तरह का एडवेयर हो सकता है। एडवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो हैकर्स द्वारा आपको एड्स पर क्लिक कराने के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे 5 साइन जो मैंने इस वीडियो में बताए। अगर इनमें से कोई सा भी साइन आपके फ़ोन में शो हो रहा है तो होशियार हो जाइए, आपके मोबाइल में वायरस हो सकता है। अब दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि इन मेलवेयर्स को किसी एंटीवायरस से रिमूव कर देंगे तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा मिथ है कि किसी एंड्रॉयड में वायरस को किसी एंटीवायरस से रिमूव किया जा सकता है। अगर आपको वाकई में जानना है कि इन मेलवेयर्स को कैसे रिमूव करते हैं तो फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ।